सीरीज को लेकर तांडव मचा हुआ है और यूपी पुलिस जबरदस्त तरीके से एक्शन में है। यूपी पुलिस के एक्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले तो यूपी पुलिस मुंबई थाने में पहुंच गई अधिकारियों से पूछताछ करने, उनसे अनुमति लेने और उसके बाद आज की तस्वीरें आपको देखनी चाहिए कि किस तरह से यूपी पुलिस तांडव टीम के घरों में घुस गई, उनके घर जाकर नोटिस चस्पा कर दिए। देश के कई हिस्सों में तांडव के मेकर्स, डायरेक्टर और कलाकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और आज यूपी पुलिस की टीम तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंची तो अली अब्बास जफर घर पर नहीं मिले, वो घर से भाग चुके थे। इसके बाद यूपी पुलिस ने उनके घर के बाहर नोटिस चिपका दिया। इस नोटिस में लिखा गया है कि तांडव टीम को एक हफ्ते के अंदर लखनऊ आना होगा पूछताछ के लिए। इसके बाद पुलिस नोटिस देने के लिए तांडव निर्माता हिमांशु मेहरा के दफ्तर भी पहुंची, गौरव सोलंकी के घर भी पहुंची। गौरव भी घर में मौजूद नहीं थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि हमने उन्हें 27 जनवरी को लखनऊ में आईओ के सामने पेश होने के लिए कहा है। उन सबके घर बंद थे, कोई नहीं था, इसलिए हमने उनके घर के सामने नोटिस चिपका दिया है। आपको बता दें कि अली अब्बास जफर अंधेरी डीएन नगर के रुस्तम जी अलीटा बिल्डिंग में रहते हैं। अली अब्बास जफर तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं और इनके खिलाफ हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। इस एफआईआर में गौरव सोलंकी का भी नाम है। गौरव सोलंकी इस वेब सीरीज के लेखक हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की मुंबई में भी एक एफआईआर दर्ज हुई है। मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153A, 295A, 505 के तहत तांडव वेब सीरीज को लेकर एफआईआर हुई है। सबसे ज्यादा विवाद जिशान अयूब और उनके एक सीन को लेकर देखने को मिल रहा है। सीरीज के एक सीन में जिशान भगवान शिव बनकर स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। आरोप है कि जिशान भगवान शिव का मजाक उड़ाते हैं, इससे हिंदू भावनाओं को आहत किया जा रहा है। जब विवाद शुरू हुआ तो इसके बाद वेब सीरीज के मेकर्स की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ भी बैठक हुई थी। इसके बाद शो के मेकर्स ने माफी भी मांगी। कहा गया था कि मेकर्स वेब सीरीज में विवादित हिस्से को हटाने के लिए भी तैयार हैं। मेकर्स की तरफ से माफी जरूर मांग ली गई, लेकिन मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। सिर्फ एक ही मांग उठ रही है कि वेब सीरीज के विवादित हिस्से को हटाने से काम नहीं चलेगा, पूरी वेब सीरीज को ही बैन कर दिया जाए। अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन चल रहे हैं, साथ ही यूपी पुलिस भी मुंबई में डेरा जमाए हुए हैं। और आज तो तांडव टीम के घर पहुंचकर यूपी पुलिस ने बवाल ही मचा दिया। देखना होगा कि 27 जनवरी को तांडव टीम आईओ के सामने पेश होती है या फिर नहीं, उसके बाद यूपी पुलिस का एक्शन क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आप भी नजरें बनाए रखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।